नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इन एन एसी सर्किट, इन एन एसी सर्किट आरएमएस वोल्टेज इज, आरएमएस वोल्टेज इज 100 अंडर रूट 2, फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड इट्स मीन वैल्यू ड्यूरिंग ए पॉजिटिव हाफ साइकिल, इट्स मीन वैल्यू ड्यूरिंग ए पॉजिटिव हाफ साइकिल। कुछ नहीं है, क्या दे रखा आपको, आरएमएस दे रखी है अभी, इट इज वोल्टेज है क्या ये, वोल्टेज वोल्ट अभी, ये ईवी है अभी, ठीक है। तो आपको निकालना है, क्या निकालना है, ई नोट। तो फार्मूला क्या था भाई, कुछ याद है, ई वी इज इक्वल टू ई नोट बाई अंडर रूट 2। तो सिंपल है, ई नोट इज इक्वल टू 1.414 ई वी, अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है ये आपको पता है, इट इज कितना था भाई 0.707 भी, उससे भी कर सकते हो, कर दो गुना भाई 1.414 अंडर रूट 2, 100 इंटू अंडर रूट 2 इसका है, क्या हुआ, अच्छा कैंसिल ही कर दें, ये कर लेते हैं ऐसे, अरे नोट निकालना भाई, 200 आ गया, यही है, यहाँ पे ले गए इसको, कर लोगे। अब इसमें उन्होंने मीन वैल्यू भी पूछ रखा, शायद मीन वैल्यू क्या होता है भाई, ई एम था क्या उसके लिए, इट इज 2 बाई पाई ई नोट, 2 बाई पाई ई नोट, ये वैल्यू था ना, ले सकता हूँ, इट इज 0. कितना था भाई, 0.637 इंटू ई नोट कितना है, 200, सही है, पीक तो वही रहेगा दोनों कंडीशंस के साथ, निकाल लो कितना, 127.4 वोल्ट। लिखिए कस, व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और इफेक्टिव करंट ऑफ एसी, इफेक्टिव करंट ऑफ एसी हैविंग पीक वैल्यू 5 एम्पियर, पीक वैल्यू 5 एम्पियर, ओके, व्हाट विल बी द रीडिंग shown for this current having peak value 5 एम्पियर। जितनी स्पीड से लिखोगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, सीधी सी बात ये है, कर लोगे, व्हाट विल बी द रीडिंग shown for this current by AC emitter and ordinary moving coil emitter। आपको एक तो सिंपल क्वेश्चन निकालना है, फिर बताना है, एक में बताना है कि रीडिंग कितना होगा एमीटर में, दूसरा एक और एमीटर में, मूविंग कॉइल एमीटर में भी, कर लोगे। तो क्या गिवन है क्लास, आरएमएस वैल्यू निकालनी है, पीक वैल्यू दे रखी है करंट का, आई नॉट इज गिवन 5 एम्पियर, आई वी इट इज 0.707 इंटू आई नॉट, सही है, तो 0.707 इंटू 5 कितना आंसर हुआ भाई, कितना हुआ 3.54 एम्पियर, यही होगा 3.54 एम्पियर भी होगा कि नहीं होगा, यही होगा। अब क्वेश्चन, अभी पहला क्वेश्चन ये था कि एसी एमीटर के अंदर कितना रीडिंग दिखाएगा, अभी तो ये रीडिंग 3.5 दिखाएगा कि 5 दिखाएगा अभी एमीटर के अंदर भी, 3.5 दिखाएगा अभी, क्यों, P
पीक का भी दिखाते नहीं, यूज दिखाते हैं उसका भी। जो आपका रीडिंग दिखाता है ना 220 वोल्ट, इट इज़ नॉट पीक वैल्यू, पीक तो कुछ और है। यस और नो? तो सिंपल एमीटर में कितना रीडिंग आएगा भाई? 3.54 एमीटर में, एसी एमीटर के अंदर में कर लोगे। अब क्वेश्चन सेकंड है कि मूविंग कॉइल एमीटर में कितना दिखाएगा? मूविंग कॉइल एमीटर में कितना रीडिंग होगा भाई बताओ? 5 एक ही बच गया, 3.5 और तो हो गया, दूसरा क्या बच गया? 5। ओके, मूविंग कॉइल का एमीटर देखा था, डीसी पे काम करता था, एसी पे काम कैसे करेगा? ये 0 रीडिंग आएगी, रीडिंग 0, 0 रीडिंग। क्यों? उसकी कॉइल घूमती है ऐसे, हाफ साइकिल में ऐसे धुरे हाफ में ऐसे घूम जाएगी भाई, कहीं वहीं पर रह जाएगी आखिरी में। यस सर नो? समझ में आ रहा है? और डीसी पे काम करता है, मूविंग कॉइल या डीसी एमीटर भी, डीसी पे रीडिंग दिखाएगा। कॉइल में टर्निंग फेट दिखाना है, अरे हर सेकंड में 50 बार चेंज कर रहा है अपना डायरेक्शंस को भी, कैसे दिखाएगा वो? दिखाई नहीं सकता। कर लोगे? रीडिंग कहाँ पे हो जाएगी? हिलेगा नहीं, हो वहीं पे हो जाएगा 0 पे। कर पाओगे? मूविंग कॉइल में कितना रीडिंग होगा? 0। सिंपल क्वेश्चन है, लिखिए। नेक्स्ट इज रीड, सॉरी, ए लाइट बल्ब इज रेटेड, ए लाइट बल्ब इज रेटेड 100 वाट फॉर 220 वोल्ट भी, 100 वाट फॉर 220 वोल्ट सप्लाई। पहला क्वेश्चन भी हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। सेकंड, पीक वोल्टेज ऑफ सोर्स, सेकंड है पीक वोल्टेज ऑफ सोर्स। थर्ड है आरएमएस करंट इन बल्ब भी, आरएमएस करंट इन बल्ब। सिंपल है तो पर ये क्या दे रखा भाई? पावर दे रखी है, ये पावर है, ये वोल्टेज है, तो रेजिस्टेंस वैसे निकल गया। यस और नो? पावर का फार्मूला क्या होता है इन टर्म ऑफ वोल्टेज? पी स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाई आर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर भी? वी स्क्वेयर बाई पी, तो 220 इंटू 220 बाई पावर 100 कितना हो गया भाई? 484 ओम भी। सही है कि नहीं है? यस और नो? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या था? पीक वोल्टेज निकालनी है, यानी जो दे रखा ये पीक तो नहीं है, ये तो आरएमएस वैल्यू है। याद रखिए, जो दे रखा आरएमएस ही दे रखा होगा आपको भी। कर लोगे? तो ये ईवी कितना भाई? 220, तो ई नोट निकालना है कितना आएगा। ईवी इज इक्वल टू क्या होता था? 0.707 ई नोट भी। तो ई नोट का वैल्यू कितना? यस को इंटरमो अंडर टू भी कर लो अच्छा रहेगा, वो कुछ करोगे तो गुणा भाग उससे कर लो तो अच्छा रहेगा, इससे भी कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। तो कितना आएगा? ई नोट है ई वी ले सकता हूँ इंटू अंडर टू, ऐसा कर लो तो वैसे तुम्हारे भी कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। कर लोगे? ई नोट बाई अंडर टू होता है, अंडर टू वहाँ पर गुणा में ले जाओ, प्रॉब्लम नहीं है। उसको 1.414 से गुणा कर दो, किसको? 220 को गुणा करें 1.414 से, ये होता है कितना आंसर होगा भाई? 311 भाई का भी, एक्चुअल में 311 आती है करो मैं, ठीक है। पीक कितना उसका? 311 है। आरएमएस कितना है? 220 है भी। कर लोगे? अब क्वेश्चन एक और भाई, क्या निकालना है? आई वी भी निकालना है, आरएमएस करंट भी निकालना है अभी, निकालोगे कैसे बताओ? कितने तरह तरीके आपकी मर्जी है, कोई भी निकाल लो। हम सिंपल हम तो लगा लेते हैं, हम तो लगा लो आई वी इज इक्वल टू क्या आएगा? ई वी बाई आर। यस सर ना? कुछ भी मर्जी कुछ भी निकालो, सारे आंसर सेम आएंगे भी, आपके पास बहुत से फॉर्मूले हैं इसके निकालने के भी। ये निकाल लो हम तो लगा अकॉर्डिंग, ई वोल्टेज आर एम एस बाई रेजिस्टेंस करंट आर एम एस आएगा। तो कितना? 220 है ना?
220 बटे 400 जो भी है, आंसर कितना आएगा भाई 0.45 में 4845 लिख रखा है 0.45 एम्पियर्स पे, सही है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डालिएगा, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन बाय, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन बाय वी इज इक्वल टू 140 साइन 3140 इज कनेक्टेड अक्रॉस, लिख दिया, इज कनेक्टेड अक्रॉस प्योर रजिस्टर ऑफ रजिस्टेंस, प्योर रजिस्टर ऑफ रजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 50 ओम। पहला क्वेश्चन है फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, पहला है फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, सेकंड है आरएमएस करंट थ्रो द रजिस्टर भी, आरएमएस करंट थ्रो द रजिस्टर, पहले तो निकालना फ्रीक्वेंसी फिर निकालना है आरएमएस करंट, मर्जी है आपका पहले कौन सा निकालो। अरे क्वेश्चन नहीं दे रखा है आपको, ये याद है ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इसको दिखा रहा है भाई, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट भी 140, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट निकालना है, क्या निकालना है, एक तो निकालना है करंट निकालना है, तो आई वी कितना होगा भाई, आई वी पीक वैल्यू है बता दो कितना होता है 0.707 इंटू आई नोट, 0.707 मैं आई नोट को लिख सकता हूं ई नोट बाई आर, क्या सही लिखा है, सब कुछ गिवन है, फॉर्मूला यूज किया मैंने सिंपल वी बाई आर, कर लोगे, अगर वोल्टेज पीक है तो पक्का करंट भी पीक रहेगा उसका, पीक वोल्टेज यूज कर ली तो करंट भी क्या बनेगा, पीक बनेगा, पुटिंग द वैल्यूज भी, ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, ई नोट कितना है 140 और आर कितना भाई 50, सॉल्व करोगे तो आई वी का आंसर होगा 0.45, नहीं भाई सॉरी आई वी का आंसर होगा 2 एम्पियर भी, इन्होंने यूज किया हुआ है इसकी जगह पे 0.14। अरे मैंने सही लिखा है, नहीं लिखा मतलब ये सही लिखा है, कर लो सॉरी आंसर करके देख लो एक बार, क्या ये आंसर हो रहा है 2 एम्पियर भी, 2 नहीं आ रहा 1.94, तो 2 ही होगा फिर, वो बुक वाला यूज कर रहा है 2 को 1.4 यूज कर रहा है, हमने पूरा यूज कर लिया 1.414, तो वी आर मोर एक्यूरेट देन बुक्स भी, ठीक है बुक में तो 2 आ रहा है ना, हमारा 1. समथिंग आएगा 1.9 समथिंग ऐसा कुछ है ना, तो 2 ही हो गया, 2 मान लो सिंपलिसिटी के लिए, बुक वाला 2 मान रहा है उसको अपने हिसाब से भी, कर लोगे। नेक्स्ट देखिए क्या निकालना है, एक और फ्रीक्वेंसी, ये ना भाई फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी को दिखा है, ठीक है तो ओमेगा टी बराबर है किसके भी 3140, टी से टी काट दूं 2πμ इज इक्वल टू 314, म्यू इज इक्वल टू 314 बाई 2π, पाई कितना होता है 3.14, सॉल्व कर पाओगे कितना आंसर हुआ भाई 50 आंसर आया, 50 हर्ट्स, ठीक है सही है कि नहीं है। ये थे भाई आपके क्वेश्चंस भाई कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, ठीक है आगे करते हैं कुछ और क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट व्हेन इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी, इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी इज कनेक्टेड टू 150 वोल्ट
150 वोल्ट, 50 साइकिल सप्लाई 150 वोल्ट, 50 साइकिल सप्लाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या क्वेश्चन है? कितना हेनरी दे रखा भाई? इंडक्टेंस ऑफ हेनरी एल था, कितना था? 2 हेनरी। भी और वोल्टेज कितना है? 150। और फ्रीक्वेंसी है भाई ये 50 हर्ट्स। ये कौन सी वोल्टेज है? मीन है कि एवरेज है? इसको ईव ले लूँ? आरएमएस वैल्यू होती है, एमएस आरएमएस वैल्यू होती है, कर लोगे? तो निकाल लो। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट निकालना है। कैसे निकालोगे? अच्छा क्वेश्चन बन रहा है मेरे को। आई नोट निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आई नोट निकालना है अभी। निकल जाएगा आई नोट का फॉर्मूला क्या बनेगा? ई नोट बाई एक्सएल भी। सही है कि नहीं है? यही है रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर एक्सएल, यानी ई नोट बाई 2 पाई म्यू वैल्यू ले सकता हूँ। यस और नो? बहुत तरीके हैं, बुक पढ़ा बहुत तरीका यूज कर रहा है। क्या तरीका यूज कर रहा है? पहले रेजिस्टेंस निकाल रहा है, निकाल लिया रेजिस्टेंस एक, वोल्टेज निकाल लिया पीक, पीक से फिर क्या लेगा? लंबा कर रहा है उसको, सिंपल हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा देखिए? ई नोट कितना है भाई? निकालना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा काम। तो ये ई नोट भी निकालना पड़ेगा भाई, पीक और रिलेशन क्या है? लिख दूँ इसको, क्या लिखे? देखिए ई वी था भाई 1/√2 ई नोट भी। यस और नो? तो ई नोट कितना आएगा? √2 ई वी बाई 2 3.14। और ये कितना है? 150। बातें नहीं, 2 ई वी कितना भाई? 150। ये 50 हो जाएगा, सही है। अरे तुम लिख रहे हो क्या सर? समझ में रहे हो क्या हो रहा है? इधर बुक में पढ़ा हुआ लिखा हुआ, तो मैं बुक वाले छोड़ करवा रहा हूँ, फिर छोड़ना है मेरे को, भरोसा थोड़ी है। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आएगा भाई? और तुम्हें सॉल्व करने बैठा दूँ ना तो पूरा दिन लगा दो तुम लोग यहाँ पे। कितना आंसर होगा इसका? 0.337 एम्पियर। यही होगा? पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भाई, हो गया? गलत है अभी, गलत आएगा? अरे हो गया क्या? नेक्स्ट लिखिए, ए प्योर इंडक्टर ऑफ 25 mH इज कनेक्टेड अक्रॉस द वोल्टेज, कनेक्टेड अक्रॉस द वोल्टेज 220 वोल्ट। ओके, लिख दिया। लिखिए फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट ऑफ द सोर्स, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट ऑफ द सोर्स हैविंग फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स, हैविंग फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स। ओके, ये क्या है भाई? एल है, मिली दे रखा है, मिली नहीं चाहिए हमको, क्या करें? 25 n^-3 हेनरी। ये क्या है भाई? ई वी है, आरएमएस वैल्यू। और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। जल्दी से निकाल सकते हो क्या? जल्दी निकाल दे दो, कितना आंसर आएगा? पहले तो एक्सेल निकालना भाई। एक्सेल क्या होता है? 2 पाई म्यू एल। एक्सेल क्या होता है? 2 पाई म्यू एल। 2 पाई कितना है? 7 करो तो कुछ कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा, वही रहने देते हैं। 3.14
फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 और एल कितना है 25 10 की पावर माइनस 3 यही होगा ना। तो बुक में से आंसर कितना आया, इसका आंसर है बुक में एक्सएल इज इक्वल टू 7.8 ओम भी, यही होगा 7.8 ओम। उसके बाद इन्होंने निकालना है आरएमएस करंट, आरएमएस करंट निकाल लो भाई, आरएमएस वोल्टेज दे रखी है, आरएमएस वोल्टेज गिवन है, तो आरएमएस करंट कितना होगा आई वी इज इक्वल टू ईवी बाई एक्सएल। ईवी कितना भाई 220 बाई कितना है 7.8, तो आई वी का वैल्यू कितना में 28 एम्पीयर लिखा हुआ बुक में भी। लिखिए द फॉलोइंग रीडिंग वर ऑब्टेंड, अभी लिखूंगा रीडिंग कौन सी है, लिखिए द फॉलोइंग रीडिंग वर ऑब्टेंड इन द एक्सपेरिमेंट, इन द एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द, टू फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द क्वाइल, टू फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द क्वाइल इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्स, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। एक एक्सपेरिमेंट किया गया उसकी टेबल दे रखी है आपको भी, ठीक है टेबल देखिएगा क्लास, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मेरा, तो ये लिख रखा है डीसी पार्ट भी, बातें नहीं करनी क्लास, तुम बातें क्यों कर रहे हो। फर्स्ट रीडिंग है, सेकंड रीडिंग है, सीरियल नंबर दे रखा है, ये 0.5 वोल्ट भी, इट इज 0.1 वोल्ट, सॉरी एम्पियर, इट इज 0.6 वोल्ट, इट इज 0.12 एम्पियर। ये डीसी पार्ट है, एक एसी पार्ट और भी दे रखा है इसका। अच्छा लगा क्या सुनिए तो, है ना भाई, हमसे तो अच्छा ही है। सीरियल नंबर भी यहाँ पे क्या है, वी, यहाँ पे आई, ये एसी पार्ट है अभी। ये फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग है 1 वोल्ट, 1.6 वोल्ट, 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर, इट इज 0.16 एम्पियर भी। ये किसी एक्सपेरिमेंट की रीडिंग अभी, और उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको पूछ रखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी। अच्छा लग रहा है ना, नहीं लग रहा पहला पॉइंट भी, इन्होंने दो पॉइंट दे रखे हैं, बना दिया क्या? यस सर। हो गया, अरे हो गया क्या? एल निकालना क्लास, समझ में आ रहा है? पहला प्रॉब्लम भाई, डीसी और एसी दोनों दे रखे हैं आपको, यस और नो, ये किसको ब्लॉक करता है? इंडक्टर, डीसी को ब्लॉक इंडक्टर करता है, कुछ भी बोल लो, ब्लॉक एसी सोते रहते हैं, कैपेसिटर ब्लॉक करता है डीसी को, है ना? पता रहे क्वेश्चन कराऊँ हम, वो भी साउथ वाले, है ना भी? कुछ नहीं है क्लास, अगर एक इंडक्टर कॉइल में से एडीसी पास कर दी जाए भी, इसको फ्लो करने देता है, यही था, याद है कि नहीं है? ये एसी को फ्लो कर रहा था, एनी ऑफर रेजिस्टेंस टू एसी ओनली भी, कौन? इंडक्टर, लेकिन कॉइल तो है, कॉइल वायर तो है, तो डीसी के लिए ये क्वाइल एक सिंगल वायर की तरह बिहेव कर रही होगी अभी, सीधी सी बात ये है, ऐसा नहीं उसका रेजिस्टेंस खत्म हो गया अभी, इंडक्टर ऑफर नहीं कर रहा, वायर तो ऑफर कर रही है रेजिस्टेंस, यस और नो?
यानी डीसी के लिए वो कॉइल बिहेव लाइक ए सिंगल रेजिस्टेंस वायर हुई। ओके, तो डीसी के लिए ये वोल्टेज आ रही है अभी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर वन रेजिस्टेंस फर्स्ट कितना होगा अभी, वी बाई आई, यस और नो, कितना भाई, 0.5 बाई 0.1 कितना हो गया 5 ओम भी। दूसरी रीडिंग के अकॉर्डिंग कितना, 0.6 बाई 0.12, ये 5 हो गया, कर लोगे। जब भी मैं एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मीन निकालते हैं किसी भी रीडिंग का, तो मीन रेजिस्टेंस कितना हुआ भाई, मीन रेजिस्टेंस कितना हुआ, अरे सिंपल मीन निकालना नहीं आता क्या, कितना हुआ, 5 हुआ, मीन तो निकालना पड़ता ना, तो व्हाट इज 5 रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर किसके लिए, डीसी के लिए, ये वायर ऑफर कर रहा है, इंडक्टर नहीं कर रहा है, कर लोगे, बातें नहीं हो जाएगा इसके लिए भाई, अब एसी तो पक्का ब्लॉक करेगा, ये अपोज करेगा एसी को, तो उसके लिए मैंने एक्सएल यूज किया था, तो मैं एक्स मान लूँ उसके लिए, अभी एक्स वर्ड यूज कर लेते हैं, एक्स वन कितना आएगा भाई, चीज तो वही है भाई, वी बाई आई, यस आर नो, वी कितना है 1 बाई 0.1, 10 हो गया, 10 ओम सही है। एक्स टू कितना आएगा भाई, 10 ही आएगा, वी बाई आई 1.6 बाई 0.16, 10, व्हाट इज द मीन, एक्स 10 आएगा, 10 प्लस 10 बाई 2, 10 ओम भी, एक्स आ गया भाई, ये एक्स नहीं एक्सएल है, एक्सएल में भी एक्सएल है ये, यस आर नो, क्या निकालना है, एक्सएल है ना, क्या निकालना है, एक्सएल क्या होता है, 2 पाई म्यू एल, एल निकालना भाई, एक्सएल बाई 2 पाई म्यू, यस आर नो, कितना भाई एक्सएल कितना, 10 बाई 2 3.14, फ्रीक्वेंसी कितना यूज किया हुआ है, 50 भी, तो L का वैल्यू कितना है, बुक में से देख लेते हैं भाई, 0.027 हेनरी भी। ओके, लिख लीजिए सिंपल क्वेश्चन, लिखिए एक कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोफेरेड, एक कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोफेरेड एंड ए क्वाइल ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड ए इंडक्टेंस, आप डायरेक्ट की लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, एंड ए इंडक्टेंस ऑफ 0.5 हेनरी आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ओके, अगर आपको याद हो ना तो जेड कुछ था भाई, ई नोट वाई या ई नोट वाई, यस और नो, ये आपको क्या दे रखा है क्लास, ये क्या क्या दे रखे हैं, ये सी है, माइक्रो में नहीं चाहिए भी, 10 की पावर -6 फैरेड में, ये क्या भाई रेजिस्टेंस है, ये क्या है इंडक्टर है, ये व्हाट इज दिस, ई वी आरएमएस, ये फ्रीक्वेंसी है भाई, इट इज फ्रीक्वेंसी, कर लोगे, निकालो जेड निकालते हैं पहले, तो जेड कैसे आएगा, एक्सेल दे रखा है, निकालना पड़ेगा भी, हर चीज़ निकालनी पड़ेगी, ठीक है, एक्सेल कितना भाई, 2 पाई म्यू एल, बातें नहीं, 2 पाई कितना, 3.14, म्यू कितना 50 हर्ट्ज, और एल कितना है अभी,
0.5, तो एक्सएल की वैल्यू है 157 लिखा हुआ है ओम भी कल्स बेंच। वन बाई म्यू सी, वन बाई टू पाई कितना है 3.14, म्यू कितना भाई 50, सी कितना है 10^-6 भी। इसका बैठ जाओ भाई, बैठ गए। एक्स सी कितना आएगा, एक्स सी कितना आएगा भाई, बुक में लिखा हुआ है 31.85 ओम भी, इतना कौन सा लिखा है ना भाई। अब क्वेश्चन है कि बुक में ही आ जाए तो आपके एग्जाम में आए तो आपको सोल्व करने पड़ेंगे भाई। अब प्रॉब्लम ये है, अब सोल्व करोगे कैसे। अब इसका एक तरीका ये भी है कि आप आंसर को अप्रोक्सीमेट लेने चले जाओ, एग्जैक्ट ना लेके अप्रोक्सीमेट निकाल लोगे। कैसे, ये 3.14 दिक्कत देगा भाई, इसको 3 मान लोगे और आंसर लिखो ना लिखो ब्रैकेट में अप्रोक्सीमेट, नंबर नहीं कटेंगे। वैसे इतना लंबा पेपर होता नहीं है तुम्हारा कि पता नहीं क्या करोगे तुम लोग, ठीक है। क्वेश्चन इजली सॉल्व कर पाते हो, वैसे बात नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि गुणा भाग हम करना भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास घरों में क्या है कैलकुलेटर होता है, एग्जाम में दिक्कत होती है उस चीज़ से भी। यहाँ से तुमसे मैं निकलवा नहीं रहा भाई, क्यों, एक क्वेश्चन निकालने तुम 10 मिनट लगाओगे, गारंटी देता हूँ, ठीक है। अब हो गया भाई क्लास, एक्स हो गया, एक्सएल हो गया, आर तो है ही वैसे भी मेरे पास, तो जेड कितना होगा भाई। अरे जेड की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, वैसे निकल जाएगा आई वी कहीं से, वैसे पूरा नोटिंग की कर रहे हम लोग, नहीं निकलेगा आई वी बता दो, नहीं निकलेगा ये, ऐसा करना पड़ेगा कंप्लीट। कितना आएगा भाई, जेड आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वेयर, पुट करने के बाद भाई कौन निकाले 134.7 ओम भाई, सब कुछ है ठीक है 1.34 जेड भी कर लोगे। और भी कुछ बचा हुआ है क्या निकालना, भी आई भी निकालना है, तो जेड क्या होता है क्लास, अगर आप याद तो जेड कहते ना अभी ई नोट बाई आई नोट भी यही था ना। अब ये कौन निकाले इतना बैठ के, इसको ऐसे ले सकता हूँ अंडर रूट टू आई वी ले सकते हैं ऐसे, कैंसिल हो गए अंडर टू वाले, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई वी सॉरी आई वी कितना होगा, ई वी बाई जेड, ई वी कितना भाई 1110 बाई 134.7 यही है ना। इसका आंसर होगा 0.8 एम्पियर भी, लेंथी है मुश्किल नहीं है, कर लोगे। नेक्स्ट है ये, इन सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड, इन मत लिखिए ए लिखिए भाई, ए सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड विद 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, आगे लिखिए हो गया। इफ द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर अक्रॉस रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर, द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर अक्रॉस रजिस्टर कैपेसिटर वो इंडक्टर आर कितनी है 65 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस की है भाई, इसको VL लिखा था हम लोगों ने, याद होता आपको VR था ये, पहले कौन है रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस फिर कौन है कैपेसिटर है, फिर कैपेसिटर कौन सा है, कैपेसिटर का है 415 वोल्ट भी, और इंडक्टर के लिए है 204 वोल्ट भी, इसके अकॉर्डिंग करना जो सीक्वेंस दे रखी है उन्होंने, कर लोगे फिर कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं इसका। आगे लिखिए एंड
एंड आर इज, आर दे रखा अभी, आर इज 100 ओम भी, आर इज ए 100 ओम। पहला क्वेश्चन है करंट इन द सर्किट भी, पहला क्वेश्चन है करंट इन द सर्किट। दूसरा क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एल। तीसरा क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ सी। फिर है चौथा क्वेश्चन है कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड, कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रेजोनेंस, कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रेजोनेंस विद इंडक्टर। सब कुछ आ गया इसमें तो भैया ना भाई। कर पाओगे? क्या क्या क्वेश्चन है भाई? पहले तो क्या निकालना है? करंट निकालना है। अब करंट कैसे निकालोगे? सीरीज में एसबी के लिए करंट की वैल्यू सेम रहेगी भी, यस और नो? मीनक आरएमएस पूछ रखा करंट को भी, सिंपल करंट है तो आरएमएस वैल्यू है भी, यस और नो? तो ये भी आरएमएस है, ये भी आरएमएस दे रखी है आपको। जितना करंट पूरे में है वही इंडिविजुअल में भी है भाई, तो आर की वैल्यू दे रखी है मेरे को, निकाल लो, यस और नो? तो व्हाट इज द आई वी, क्या लिखूं? वी आर बाई, आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, बाई आर, ठीक है। तो वी कितना है भाई? 65 बाई 100 भाई, 0.65 एम्पियर। पहला क्वेश्चन कंप्लीट भी। उसके बाद एक्सएल निकालना है, एक्सएल निकालना है क्या या एल निकालना है? एल। तो एक्सएल कितना भाई? वीएल क्या होगा? आई वी एक्सएल, वी इज इक्वल टू आई आर है इन इंडक्टर भी। एक्सएल कितना? वीएल बाई आई वी, सब कुछ है भाई, पुट कर दो वैल्यू। इसका आंसर है 1 हेनरी भी, हो जाएगा, सॉरी हेनरी होगा ना? नहीं, ये क्या होगा? 3.3138 ओम भी, सही है, 3138 ओम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सएल भी? एक्सएल तो हो गया, एक्स एल निकालना हमको। एक्सएल क्या होता है? 2πμL भी, यहाँ से एल निकल जाएगा भी, एल निकल दू डायरेक्ट आंसर्स भी। एल का वैल्यू कितना भी? एक्सएल बाई 2πμ, एल का वैल्यू है 1 हेनरी में, ठीक है। उसी तरीके से क्या आप निकाल सकते हो? एक्स सी वी सी बाई आई वी, वी सी कितना है या वी एल, सॉरी वी एल तो ना है, वी सी था, उन्होंने गलत तो नहीं कर दिया कहीं लोगों ने, हमारे को से लिखा है नहीं, गलत कहाँ से करेंगे ना। आई वी कितना है? अच्छा वी सी है, कितना आएगा इसका? होगा 4638.5 ओम भी, 638.5 ओम, ओके। और उसका वैल्यू कितना होगा भाई? सी का देखो ऐसा होता है, एक्स सी इज इक्वल टू 1/2πμC, तो सी बराबर है 1/2πμXC इज इक्वल टू, इसका आंसर है 4.9×10⁻⁶ फैराड भी, ठीक है। वैल्यू पुट करनी है आपको, यस और नो? अब क्वेश्चन ये है, तो एक और क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने कि कितनी वैल्यू किस पे, कितनी वैल्यू सी की एल से क्या हो जाए? रेजोनेंस कर जाए भी, बातें नहीं, कैसे करोगे? एल कितना है? एल तो फिक्स कर दिया 1 हेनरी में, अब कैसे करोगे भाई? ये प्रॉब्लम हो जाएगा शायद, नहीं ये बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है भाई बताओ? कितना फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं? 50 हर्ट्ज यूज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी आ गई भाई वहीं से भी, कितना है? फार्मूला क्या था फ्रीक्वेंसी का?
इट इज 1/2 pi अंडर रूट एल सी रेजोनेंस के बाद एल निकालना है, एल निकालना है ना, म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 pi स्क्वायर एल सी। सी निकालना है, एल निकालना है, सी निकालना है, तो सी इज इक्वल टू 1/4 pi स्क्वायर एल म्यू स्क्वायर। एल कॉन्स्टेंट रखना है, वन फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, यानी कंडीशन पहले से हो ही पड़ी है भाई, आपको बताना है सिंबल्स के ऊपर कर लोगे। यहाँ पे 4 pi एल कितना है, 1 है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज यूज कर लीजिए, वही दे रखा है आपको अभी। ये सर नो, इसका आंसर होगा अभी सी इज इक्वल टू 10.1 माइक्रो फैराड। ओके।